तो आज सब कुछ उभार और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग किसी का भाई किसी की जान मूवी के डे थ्री के थिएटर ओक्यूपेंसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मॉर्निंग की ओक्यूपेंसी से। तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 12.23%। इसके अलावा यहाँ पर उसके बाद ऑक्यूपेंसी में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली, जहां पर आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 31.39%। वहीं पर इवनिंग में इवनिंग शोज की बात करूं तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 39.15%। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं नाइट शोज की तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रही 31.47% की। तो इस तरीके से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली 28.56%। और देखा जाए तो यहाँ पर डे टू से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर हमको 1% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि मुझे लगा था कि शायद 30-35 के आसपास जाएगा क्योंकि संडे का दिन था, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया है 26.25 करोड़ रुपीज का, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि डे टू में भी हमें ऑलमोस्ट इक्वल ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ एटलीस्ट 1 करोड़ का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और जो कि इस बार भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। मंडे को भी ये फिल्म काफी तगड़ा परफॉर्म करेगी और बहुत गजब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाएगी, ऐसी उम्मीदें तो हैं, पर देखते हैं कि कैसा होने वाला है, वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मूवी को लेकर? क्या ये फिल्म ये जो इतना तगड़ा कमाई का ये जो रिकॉर्ड अभी ब्रेक करती जा रही है धीरे धीरे, डे वन में फुस हो गई थी फिर धीरे धीरे अब चढ़ती जा रही है, तो आने वाले नेक्स्ट मतलब फ्राइडे तक, ये वाला जो फ्राइडे आने वाला है, क्या तब तक भी ये फिल्म बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगी और क्या ये फिल्म आसानी से 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जोहार।